हेलो गाइस, हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू वंस अगेन. वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा. इट्स मी नाउ साइनिंग इन. अर्चना शर्मा, आप मेरे साथ पढ़ रहे थे कोर्स 6 की सीरीज चल रही थी हमारी, और हम जो बात कर रहे थे वो बेसिस सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे थे, जिसमें हम क्या जानने की कोशिश कर रहे थे कि एजुकेशन सोशियोलॉजी है क्या इन द डिफरेंस ऑफ एजुकेशन. ठीक है, तो हमारे दो पॉइंट हो गए हैं, और इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड सोसाइटी, मैंने दो पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए थे, अच्छे से समझा दिए थे. फिर भी इन केस अगर आपको दिक्कत होगी तो यू कैन आस्क मी. जो पहला पॉइंट था हम रिवाइज करा दे रहे फटाफट, रिलेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ कल्चर को देखा था हमने यहाँ पे, कि एजुकेशन का मतलब हमारे कल्चर का शिक्षा पे क्या रेफरेंस है, और कल्चर किस तरीके से इफेक्ट करता है हमारे सोसाइटी को, और शिक्षा कैसे प्रभावित करती है, तो इसके बारे में बात की थी. फिर दूसरे पॉइंट में हमने बात की थी कि एजुकेशन एज द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, यानी कि हम अपनी संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं तो हम अपनी संस्कृति को कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक उसकी अच्छी बातों को प्रोवाइड करा सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं. नाउ चलिए आज हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, तीसरा और चौथा दो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. द सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ द एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के क्या हैं सामाजिक निर्धारक. डिटरमिनेशंस का मतलब है यहाँ पे निर्धारण या निर्धारक या किसी चीज को डिटरमाइन करना. तो यहाँ पे क्या है, शिक्षा के सामाजिक सोशल डिटरमिनेंट्स यानी कि सामाजिक निर्धारक. तो आपको पता है कि शिक्षा का जो फॉर्म है मतलब पूरी तरीके से सोसाइटी पे डिपेंड करता है, जिसमें बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, और देखा जाए तो मतलब हर सोसाइटी में शिक्षा का अपना एक जो फॉर्म होता है वो सेम नहीं होता है, सोसाइटी से सोसाइटी वैरी करता है. और ये भी जरूरी नहीं है कि एजुकेशन हर जगह समान हो, है ना. प्रत्येक अगर समाज की बात की जाए तो वहाँ पे बालकों में डिफरेंसेस होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा, सोसाइटी से सोसाइटी डिफरेंसेस होगा. और आपको पता है कि हमारा व्यक्तित्व एक समान नहीं होता है, हम हर तरह से एक दूसरे से भिन्न हैं. ठीक है, और भिन्नता पाई जाती है जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं. और समाज का जो अपना मान लीजिए कुछ भी है, अपना निजी कल्चर है या संस्कृति है, सोशल इकोनॉमिकल रिलीजियस पॉलिटिकल, ये सब पावर होती हैं. तो ये सब पावर सोसाइटी में ही होती हैं, और सोसाइटी में ही व्यक्ति रहता है और इन सब चीजों को निर्धारक करता है. तो जो हमारा ये कल्चर है, हमारा सोशल वैल्यू है, हमारा आर्थिक वैल्यू है, या रिलीजियस वैल्यू है, या पॉलिटिकल वैल्यू है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सोशल डिटरमिनेंट्स, यानी कि समाज निर्धारक. समाज को कौन बनाता है, ये सारे वैल्यूज बताते हैं. जो मैंने यहाँ पे चार आपको नाम लिए, अगर देखा जाए तो मैंने इसी को यहाँ डिफाइन भी करने की कोशिश की है. तो ये डिटरमिनेंट्स हैं, क्या ये सोशल डिटरमिनेंट्स हैं, आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ सकती हैं कि कल्चरल डिटरमिनेंट्स भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, रिलीजन भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है. यानी कि बालक व समाज प्रभावित करते हैं शिक्षा के माध्यम से, और ये क्या है, ये सब समाज की शक्तियां हैं. ठीक है, तो आप इस फ्लो चार्ट को बहुत इजी वे में समझ सकते हैं. ये सारे सोशल क्या है, डिटरमिनेंट्स. ठीक है, यानी कि अगर हम इसको मान के चले तो अगर देखा जाए तो सोसाइटी में टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम बहुत सी अच्छी चीजें आ जाती हैं, और हम साथ रहकर बहुत सारी चीजों को इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं. लेकिन बता दूं मैं कि सोसाइटी हमेशा चेंजेबल होती है, और देखा जाए तो चेंजेबल इन द सेंस कि चेंज जब भी होता है अच्छी चीजों को सीखने के लिए होता है. ठीक है, गलत चीजों को सीखने के लिए नहीं होता है. कि अगर हम अपनी सोसाइटी में कुछ ट्रेडिशन या कुछ कस्टम्स जो रूढ़ीवादी हैं, जिनके जो स्टोरी टाइप्स हैं, उनको हम खत्म करके कुछ नया कल्चर ला सकते, उनको खत्म करके हम कुछ नई चीजें ला सकती हैं. तो ये जो पावर है, ये सोसाइटी की जो पावर है, सोसाइटी की पावर ये है कि इन पे ये काम कर सकती है, किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से. ठीक है, तो आपको ये फ्लो चार्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी है, आप आराम से करिए. आपका ये प्रोसेस है सोसाइटी का, और ये प्रोसेस सोशल भी काम करेगा, कल्चरल भी काम करेगा, इकोनॉमिकल, रीजनल, पॉलिटिकल, और ये इफेक्ट किसको करेगा, जो आप समाज में रह रहे हैं उनको. तो बालक वो समाज को प्रभावित करती है किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से. तो ये छोटा सा फ्लो चार्ट था आपको, आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. तीसरा, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगी, आप भूलेंगे नहीं. ठीक है, अच्छा फ्लो चार्ट है, आप इसका जरूर उपयोग करें. और हमने बताया देखो चेंजेस लाना अच्छा होता है, लेकिन वो अच्छे चेंजेस लाना अच्छा होता है. ये नहीं कि जो भी हमारी अच्छी बनी बनाई चीजें हैं हम चेंजेस ला के उसको और बर्बाद कर दें, तो ये काम नहीं करना है. हम अपने कल्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं, हाँ हम अपने कल्चर को मॉडिफाई करके और बेटर और अच्छा बना सकते हैं, ताकि ये अच्छी बातें अपने हम आने वाले जनरेशन को दे सकें, है ना. अगर देखा जाए तो एक तरीके की और ये सारी चीजें का काम करेगा कौन, एजुकेशन करेगा. तो एजुकेशन को हम यहाँ पे एज अ टूल भी बोल सकते हैं. आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एजुकेशन यहाँ पे टूल का काम करेगा या टेक्निक का भी काम कर सकता है. कि एजुकेशन एक ऐसी टेक्निक है जो सोसाइटी में क्या करेगी, जितने भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, है ना, मान लीजिए जितने भी व्यक्ति हैं, तो उनकी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने की कोशिश करेगी. ठीक है, और देखा जाए तो टाइम टू टाइम हमारा ऑब्जेक्टिव बदलता भी रहता है ना. जैसे जैसे शिक्षा में चेंजेस आते हैं तो हमारी सोसाइटी में
में चेंजेस आते हैं तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस ला देते हैं और उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट करके खुश भी हो जाते हैं। तो इस तरह के चेंजेस भी यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो साथ ही साथ में समाज की जो पावर है आपकी, ठीक है, और आपको पता है कि आपकी ये पूरी पावर ही है एक तरीके से, फोर्सेस ऑफ सोसाइटी, समाज की शक्तियां हैं। तो इन सब चीजों में चेंजेस लाने के लिए हमें एजुकेटेड होना पड़ेगा, और हम इन सब चीजों को तभी चेंज कर सकते हैं जब जो चेंज होगा वो हमारे हित में होगा, लोगों के हित में होगा, व्यक्ति जो सोसाइटी में रह रहा उनके हित में होगा। अदरवाइज हम चेंजेस नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट था कि समाज के निर्धारक क्या हैं और वो किस तरीके से उनको आगे मोटिवेट करने में शिक्षा हेल्प करती है आपको, ठीक है, और समाज की शक्तियां हैं उसमें बालक को कैसे प्रभावित करती है। नाउ फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट रिलेशनशिप थ्री पॉइंट का, तो फोर्थ पॉइंट है सोशल इंटरेक्शन। बहुत ईजी है, सोशल इंटरेक्शन का मतलब है यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि व्यक्ति समाज में रह रहा है तो वो क्या करेगा, व्यक्ति और ग्रुप के बीच में बहुत सारे इंटरेक्शन होंगे, उनके रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारे इंटरेक्शंस होंगे। तो यहाँ पे चेंजेस होंगे, और ये चेंजेस किस में होंगे, आपके बिहेव में चेंजेस होंगे, है ना, चेंजेस इन बिहेवियर, चेंज बिहेवियर, आपका बिहेवियर चेंज होगा आप लोगों के बीच में इंटरेक्ट करोगे तो, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपका बिहेवियर चेंज होगा अगर आप दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो, और इंटरेक्शन किसके किसके बीच में हो सकता है, ग्रुप के बीच में हो सकता है, ठीक है, जो व्यक्ति या पीपल रह रहा है उसके बीच में हो सकता है, तो ये और आपकी सोसाइटी के बीच में हो सकता है। तो इन सब चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, ग्रुप या समाज मैंने यहाँ बना भी रखा है, लिखा नहीं है, लेकिन फ्लो चार्ट के माध्यम से बना रखा है तो आपको समझ में आएगा कि पर्टिकुलर यहाँ कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, तो ये किससे इंटरेक्ट होगा, ग्रुप से भी इंटरेक्ट हो सकता है, सोसाइटी से भी इंटरेक्ट हो सकता है, और इन दोनों के बीच में क्या चेंज होगा, उनके बिहेव में चेंज होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत इलिटरेट है, मतलब वो शिक्षा नहीं मिली है उसको, अशिक्षित है, तो वो ग्रुप के संपर्क में आया, सोसाइटी के संपर्क में आया, तो क्या हुआ, उसके बिहेव में चेंज हुआ। और अगर हम देखा जाए तो करेंट साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं कि क्या है डेफिनेशन, तो चेंज इन बिहेवियर ही है ना। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हमारे बिहेव का जो मॉडिफिकेशन होता रहता है वही साइकोलॉजी है या मनोविज्ञान है, ठीक है। तो ये ग्रुप में भी हो सकता है, सोसाइटी में भी हो सकता है, और इसमें यही हो सकता है कि इंटरेक्शन आप लोगों के बीच में होगा तो आप अपने कल्चर को एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, वैल्यूज की जानकारी देंगे, है ना, उनकी अच्छी वैल्यूज को समझने की कोशिश करेंगे, आप अपनी वैल्यूज या कल्चर की अच्छी अच्छी बातों को लोगों तक ट्रांसफर करेंगे। तो इन सब में हेल्प कौन करेगा, एजुकेशन हेल्प करेगा। और जाहिर सी बात है कि जब बालक और व्यक्ति पूरी तरीके से शिक्षित होंगे तो आपकी सोसाइटी में जो भी चेंजेस होंगे वो प्रॉपर वे में आ जाएंगे, और रह कर क्या करेंगे, आप अपनी जो दूसरे ग्रुप के मेंबर हैं उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करेंगे, ठीक है, आपको कोई बहुत अच्छा फ्रेंड भी बन सकता है, आपको एक अच्छी कम्युनिटी मिल जाएगी, अच्छी फ्रेंड का ग्रुप मिल जाएगा, है ना, इस तरह की चीजें हो जाएंगे जब आप अपने थॉट्स को मतलब कोशिश करेंगे दूसरे से आदान प्रदान करने के। दो लोग होते हैं तो वो एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं, थॉट्स की शेयरिंग करते हैं, अपने फीलिंग्स को बताते हैं, क्योंकि वो समाज में एक साथ रहते हैं तो अपनी फीलिंग्स तो एक्सप्रेस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, हम सब चीज़ अपने अंदर नहीं रख सकते, हम शेयर करके बहुत अच्छा फील करते हैं, है ना। और जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम शायद किसी से मोटिवेट भी होते हैं कि ये इतना अच्छा सोचता है और ये इतना अच्छा कर रहा है, तो हम भी काम कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक आपको ये सोशल इंटरेक्शन बिटवीन द सोसाइटी मैन एंड फीलिंग्स से सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और इन सब में हेल्प कौन करता है, एजुकेशन हेल्प करता है। तो ठीक है, कभी भी अगर हम बात करते हैं तो एक दूसरे को आपको हेल्प करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज सोसाइटी हमारी चल नहीं पाएगी। और इसके केस अगर देखा जाए तो उन्होंने मतलब जो आप जानते हैं मुदालिर कमीशन या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुदालिर कमीशन के बारे में आप जानते होंगे, मुदालिर कमीशन, और इसी को हम बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, है ना, मुदालिर कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो ये भी इस बात के लिए फेवर करती है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो मुदालिर लक्ष्मण थे, ठीक है, मुदालिर लक्ष्मण इनका नाम था और इसके अध्यक्ष थे, तो इन्होंने भी इस बात को भी फेवर में किया है कि शिक्षा में अगर सुधार लाने के लिए अगर हम देखेंगे तो जिससे स्कूल वगैरह है, स्कूल किससे रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, क्लोज है सोसाइटी से, उसका रिलेशनशिप अच्छा है, तो फॉर्मल वे में भी बात करता है और नॉन फॉर्मल में भी बात करता है। तो स्कूल क्या है, फॉर्मल वे ऑफ एजेंसी है देखा जाए तो शिक्षा प्रदान करने का, और फैमिली क्या है, इनफॉर्मल वे में है, लेकिन दोनों एक्टिव एजेंसी है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के बीच में, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और ये एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। व्यक्ति समाज से शिक्षित है और समाज शिक्षित जो है व्यक्ति से, ठीक है। तो यानी कि एक व्यक्ति लिटरेट है तो उसका सोसाइटी बहुत अच्छा होगा, सोसाइटी का विकास बहुत प्रॉपर होगा, ठीक है, और अगर उसकी प्रॉपर सोसाइटी है तो व्यक्ति अपने आप को शिक्षित करने की कोशिश करेगा। तो एजुकेशन इसमें एज अ टूल काम करता है, ठीक।
और मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ डिस्कस कर दिया है। सोशल इंटरेक्शन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं सोशल इंटरेक्शन में। दैट इज मोर ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड सोसाइटी। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा। साइनिंग ऑफ।